मैं केजी वेरवा, आज की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो लेक्चर का कवर करने जा रहे हैं उसमें है मैन्युफैक्चरिंग ड्राई आइस। ड्राई आइस मीन्स है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन क्यों काम में लेते हैं, इसको जाने की क्या जरूरत पड़ती है? तो अपन ये मानते हैं कि जो सिंगल स्टेज जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उससे मैक्सिमम अपन जो टेम्परेचर जनरेट कर सकते हैं वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जनरेट कर सकते हैं। ये सिंगल स्टेज अपन यूज करके R12 रेफ्रिजरेंट को यूज करके कर सकते हैं, लेकिन यदि डबल स्टेज अपन ले हैं तो वहां तक मैक्सिमम टेम्परेचर 60 डिग्री -60 डिग्री तक डेवलप कर सकते हैं सेकेंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज तक अपन ले तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर डेवलप कर सकते हैं वो 28 डिग्री अपन डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि इस टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर आपको लेना है, 70 लेना है, 80 लेना है, उस कंडीशन में आपको क्या सिस्टम यूज करना पड़ेगा कूलिंग के लिए। तो उस सिस्टम में अपन ये देखते हैं कि जो ड्राई आइस है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे 70 या बिलो 70 टेम्परेचर अपन इससे जनरेट कर सकते हैं। 70 डिग्री से या 70 डिग्री से बिलो डिग्री टेम्परेचर है वो अपन इससे जनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो सिस्टम है इसमें ट्रांसपोर्टेबल है, आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए वैसे हैंडलिंग कर सकते हैं आपके पास में। और खासकर ये जो इंडस्ट्रीज है आपके पास में, आइदर द केमिकल इंडस्ट्रीज है या मेडिकल इंडस्ट्रीज है या आपके पास में फूड इंडस्ट्रीज है, वहाँ आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए या ये टेम्परेरी फेज में इसको स्टोर करने के लिए अपन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या जो ड्राई आइस है उसको अपन काम में ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ड्राई आइस का एक अधिक एडवांटेज है नॉर्मल आइस की तुलना में कि ये इसमें कोरोजन फ्री होती है, इससे किसी भी आर्टिकल का कोरोजन नहीं होता है। अब देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस बनाई कैसे जाती है, तो सबसे अपन मानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये हमेशा गैसियस फेज में होती है। गैसियस फेज में जब होती है तो अपन किसी भी फेज को चेंज करने के लिए सबसे पहले गैसियस से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है और लिक्विड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। ये जनरल प्रोसीजर है जो मोस्टली सब्सटेंस के लिए इसी तरीके को अपन इसमें यूज करते हैं। तो पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको अपन लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद लिक्विड से उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। तो लिक्विड में कन्वर्ट करने का, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एक बड़ा सेट प्रोसीजर है, उसके लिए अपन को कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका अपन को ज्ञान होना जरूरी है। अदरवाइज अपन उसमें ये पता नहीं लगा सकते हैं कि अपने पास में किस कौन से कंपोनेंट चाहिए, किस रेंज के कंपोनेंट चाहिए, उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसी के लिए सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं उनमें आते हैं आपके पास क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में दो चीज़ें आती हैं आपके पास में, यहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और एक क्रिटिकल प्रेशर होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर मेन महत्व रखता है। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब है कि यदि अपन ये वो टेम्परेचर होता है जिससे नीचे कूल कर किया जाए तो इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि मैं यहाँ पर ये लिक्विड 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यदि मैं इससे ऊपर टेम्परेचर कूलेंट के लिए रखता हूँ, जो कूलेंट का लेता हूँ, तो वो उसको कूल नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि इससे नीचे टेम्परेचर आए दर्द मैं 20 डिग्री 25 डिग्री या 20 डिग्री टेम्परेचर में रखना चाहता हूँ तो उस कंडीशन में मैं इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि इसके लिए मिनिमम कूलिंग जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से ही नीचे टेम्परेचर इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएगा। अभी आता है दूसरा, ये हाई प्रेशर। जैसे जैसे अपने इसका प्रेशर कम करते चले जाएंगे ये टेम्परेचर नीचे की तरफ खिसकता चला जाएगा, 30 हो जाता है, 20 20 15 10, इस तरह से माइनस की तरफ चलता चला जाएगा यदि इस प्रेशर को अपन नीचे करते चले जाएंगे। तो इसका मतलब है जैसे जैसे प्रेशर नीचे चलता चला जाएगा ये नीचे की तरफ मूवमेंट करता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि अपन को इसको और लोअर प्रेशर पे इसको ठंडा करना है तो अपन को ज़्यादा माइनस टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर की आपको कूलेंट की जरूरत पड़ेगी। So, जैसे जैसे अपने क्रिटिकल प्रेशर है, इस प्रेशर के आसपास इसका टेम्परेचर यह है, तो यदि अपन को पास में, इसका मतलब ये जाहिर है कि यदि अपने को नॉर्मल रूम में नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको कूल करना है तो अपने पास में इसका जो है प्रेशर जो है आइदर द इस प्रेशर के आसपास या इस प्रेशर के पर या प्रेशर के आसपास होना चाहिए और टेम्परेचर उसके पास में ही होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपको उस जो गैस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए पहले किस प्रेशर तक इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद उस प्रेशर पे कंप्रेस करने के बाद में उसको इस टेम्परेचर से नीचे कूल करने के लिए आपके पास में उस कूलेंट का सिलेक्शन करना पड़ेगा ताकि जो इसको कूल कर सके। इसका मतलब ये दोनों प्रेशर और ये टेम्परेचर रेंज उस सिस्टम की दो चीज डिसाइड करती हैं, एक उसका कंप्रेसर और एक उसका कंडेंसर।
क्रिटिकल ये दोनों चीजें आपके पास में डिसाइड कर, इसका मतलब ये है कि यदि मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई इस प्रेशर तक कंप्रेस करता हूं तो मेरे को हाई कंप्रेशन रेशियो का कंप्रेसर चाहिए, और इस प्रेशर से इस टेम्परेचर से नीचे कूल करता हूं तो उस कंडीशन में मेरे को हाई कैपेसिटी का कंडेंसर चाहिए जो इसको इस टेम्परेचर से नीचे कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सके। सो कन्वर्ट टू CO2 गैस इनटू लिक्विड प्रेशर शुड बी हैव ए कूल इट टू बिलो द दिस टेम्परेचर एंड द कूलेंट रिक्वायर्ड 10 to 20 degree centigrade below. So it means the they have to note the high pressure ratio required चाहिए, high compression जो है high pressure ratio compression चाहिए, और condenser जो चाहिए उसमें जो coolant चाहिए वो इस 31 degree centigrade से नीचे वाला temperature चाहिए जो 20 या 25 degree centigrade तक हो। इसके लिए आपके पास में कंप्रेसर जो होता है टाइप ऑफ कंप्रेसर डिसाइड कर देते हैं, तो मोस्टली जो कंप्रेसर अपने पास में वो टाइप ऑफ कंडेंसर डिसाइड कर देते हैं। सो जो कंप्रेसर मोस्टली यूज किया जाता है हाई प्रेशर के लिए, कुछ जो कंप्रेसर यूज किया जाता है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में अपन दो तरह के होते हैं, एक सिंगल स्टेज यूज कर सकते हैं और एक मल्टी स्टेज यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि अपने सिंगल स्टेज यूज करते हैं तो उस कंप्रेसर में हाई प्रेशर रेशियो होने के कारण वो कंप्रेसर जो हाई पावर कंज्यूम करेगा, और ये हाई पावर कंजम्पशन आपके पास में होती है। यदि लेकिन यदि मल्टी स्टेज यूज करते हैं तो मल्टी स्टेज कंप्रेसर के लिए अपने पास में मेन चीज उसकी पावर को मिनिमाइज करने के लिए अपने पास में परफेक्ट इंटरकूलिंग जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये जो मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर अपन यूज करते हैं वो ऑयल फ्री होना चाहिए। ऑयल फ्री का मतलब ये है कि यदि ये ऑयल आपके पास में रेफ्रिजरेंट के साथ चला गया और तो एक्सपेंशन वाल्व में जाकर यह क्या करेगा, खुद फ्रीज हो जाएगा और सिस्टम को चौक कर देगा। इस वजह से आपके पास में ये जो मल्टी स्टेज कंप्रेसर है ये ऑयल फ्री होना चाहिए। तो ये दो चीजें डिसाइड हो जाती हैं अपने पास में, और यही मेन कंपोनेंट है इसको जो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको ड्राई आइस में कन्वर्ट करने के लिए, पहला कंप्रेसर और दूसरा कंडेंसर। कंडेंसर की कैपेसिटी आपके पास में हाई कैपेसिटी का कंडेंसर चाहिए और उसमें कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए ताकि आपके पास में वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो इसके लिए जनरली जो अपन कंडेंसर काम लाते हैं ये वाटर कूल कंडेंसर इसमें अपन मोस्टली यूज करते हैं। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी इसके लिए काम में आती है वो है इसका ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट देखा जाए तो ट्रिपल पॉइंट जो है आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 56.7 डिग्री माइनस में, और इसका प्रेशर ये होता है। लेकिन आपके पास में इसका मतलब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी अपने पास में 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी इस गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए अपन को इस टेम्परेचर तक इसको कूल करना पड़ेगा, इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा जहां तक इसका ये टेम्परेचर 57 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में नहीं पहुंच जाता है। तो इसके इसमें एक्सपेंशन डिवाइस में जो अपन यूज करते हैं वहां तक आपके पास में इसका एक्सपेंशन इस ट्रिपल पॉइंट तक किया जाता है। ट्रिपल पॉइंट पर आने के बाद जस्ट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये लिक्विड में कन्वर्ट होके और सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होती है, सॉलिड होना शुरू होती है। लेकिन अगेन यहां पर भी ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपके पास में तीनों फेज एग्जिस्ट होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। यदि इस ट्रिपल पॉइंट से नीचे इसको यदि फर्दर एक्सपेंशन किया जाता है बाई कूलिंग प्रोसेस, फर्दर एक्सपेंशन प्रोसेस के द्वारा इसको कूल किया जाता है, तो उस कंडीशन में ये आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि ये ट्रिपल पॉइंट जो है वो ये डिसाइड करता है कि इस लिक्विड गैस का एक्सपेंशन कहां तक किया जाए। यदि इस लिक्विड गैस का एक्सपेंशन अपन इससे बिलो करेंगे तभी अपने पास में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो पाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगेन आपके पास में इसका फर्दर एक्सपेंशन किया जाता है, और फर्दर एक्सपेंशन करते हैं इसका सब्लिमेशन पॉइंट तक। सब्लिमेशन पॉइंट ये होता है जहां से आपके पास में अगेन यदि कोई गैस इसमें बचती है तो सीधी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है कि यहां से आप इसको फर्दर इसका एक्सपेंशन करते हैं उस कंडीशन में ये इस टेम्परेचर पर आकर ये कंप्लीटली ही सारी की सारी गैस जो है सारी की सारी जो है लिक्विड जो है और एक बची हुई गैस जो भी है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ये इसका मिनिमम टेम्परेचर होगा। अब इसके लिए इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो प्रोसेस है कंडेंसिंग का लिक्विड से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने का और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने का। लिक्विड से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें हैं, कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट और कंडेंसर की रिक्वायरमेंट। दूसरी बात है कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए इसका एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन करने के लिए फर्स्ट अपन हाई प्रेशर जो आपके पास में क्रिटिकल प्रेशर है वहां से और क्रिटिकल टेम्परेचर है वहां से इसको ट्रिपल पॉइंट तक एक्सपेंशन करते हैं, उसके बाद इसका सब्लिमेशन पॉइंट तक इसका एक्सपेंशन करते हैं।
ये इसका पीएच चार्ट दिखाया गया है। यदि मैं यहाँ से इसको कंप्रेस करता हूँ तो कंप्रेशन मेरे पास में आइसोट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है जिसको पीएच चार्ट पे इसके द्वारा बताया गया है, ये एस इक्वल टू सी प्रोसेस। अगेन इस पॉइंट से फर्दर इसको लिक्विड तक कूल किया जाता है कंडेंसर में, जहां पर आपके पास में कॉन्स्टेंट प्रेशर पर कूल किया जाता है। ये जनरली जो प्रेशर रखा जाता है ये क्रिटिकल प्रेशर से कम रखा जाता है, और मोस्ट कॉमनली जो प्रेशर यूज करते हैं वो 70 bar तक यूज करते हैं, 70 bar तक यूज करते हैं। अगेन इस 70 bar से लिक्विड स्टेट में जब आपने इसको गैस को कन्वर्ट कर दिया है तो इसका एक्सपेंशन किया जाता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस इसमें अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें आप थ्रोटल वाल्व पे इसका एक्सपेंशन करते हैं। फर्स्ट जो एक्सपेंशन होता है उसका आपके पास में ट्रिपल पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये ट्रिपल पॉइंट कहलाएगा, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। तो ट्रिपल पॉइंट से एक्सपेंशन होने के बाद में यहां से जस्ट इसका फर्दर इसका एक्सपेंशन अपन करते हैं सब्लिमेशन पॉइंट तक, और सब्लिमेशन पॉइंट पर आने के बाद में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है -78.9 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास की सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब यह है कि यहां पर ये सॉलिड में थी, लेकिन उससे ज्यादा यदि आपको टेम्परेचर चाहिए है, उससे कम टेम्परेचर की आइस बनानी है, तो उस कंडीशन में इसको आपको सब्लिमेशन पॉइंट तक इसको आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, तो यहां से देखिए ये प्रोसेस है कि लिक्विड जो आपने कन्वर्ट किया था उस लिक्विड की कंडीशन थी कि उसका टेम्परेचर ये या इससे बिलो था, उसके बाद इसको एक्सपेंशन किया गया। एक्सपेंशन के दो स्टेज हैं, फर्स्ट ट्रिपल पॉइंट तक और दूसरा सब्लिमेशन पॉइंट तक इसका एक्सपेंशन करते हैं, सब्लिमेशन पॉइंट तक, ताकि आपके पास में कंप्लीटली ये जो सॉलिड है, कंप्लीटली जो गैसेज भी बची रहती हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस प्रोसेस के लिए अपन जो सिंपल यूज करते हैं वो वेपर कंप्रेशन सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन वो ओपन टाइप का साइकिल सिस्टम यूज करते हैं। जनरली अपन क्या करते हैं कि अदर जनरल रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो काम लेते हैं उसमें अपन जो साइकिल सिस्टम यूज करते हैं वो क्लोज टाइप का होता है। क्लोज इन द सेंस है कि रेफ्रिजरेंट कंटिन्यूस सर्कुलर सिस्टम में वो रेफ्रिजरेंट ही फ्लो होता रहता है, रीसर्कुलेट होता रहता है। इसमें क्यों ओपन करते हैं, क्योंकि इसमें जो रेफ्रिजरेंट अपन यूज कर रहे हैं वो खुद ही रेफ्रिजरेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रेफ्रिजरेंट के रूप में काम में ली जाती है, और इसी ही को सॉलिडिफाई किया जाता है, और बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड को अपन को पास में अगेन सिस्टम में रीसर्कुलेट किया जाता है। इसका एक सिंपल सा डायग्राम दिखाया गया है आपके पास में, मैं यहां से शुरू होता हूं। ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर में आपके पास आइसोट्रोपिकल कंप्रेस किया जाता है, इसमें रेसिप्रोकेट कंप्रेस काम लेते हैं, हाई कंप्रेशन रेशियो का कंप्रेसर होता है। उसके बाद यहां से इस जो हाई प्रेशर प्लस हाई टेम्परेचर की जो गैस है उसको कूल किया जाता है, और कूल करने के बाद कंडेंसर में इसको कूल किया जाता है। हाई कैपेसिटी का कंडेंसर आप यूज करते हैं, और मोस्टली जो कंडेंसर यूज किया जाता है वाटर कूल सरफेस कंडेंसर यूज किया जाता है। यहां से आने के बाद में इसका जो टेम्परेचर है आपके पास में आइदर इस क्रिटिकल टेम्परेचर जो है आपके पास में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे बिलो अपने यहां कूल कर देते हैं। कूल करने के बाद में यहां से इसका एक्सपेंशन किया जाता है, ये एक्सपेंशन वाल्व है जिसमें थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है, थ्रोटलिंग इन द सेंस है इसमें एंथैल्पी आपकी कॉन्स्टेंट होती है। यहां से इसका एक्सपेंशन अप टू ए सब्लिमेशन पॉइंट तक करते हैं, और सब्लिमेशन पॉइंट तक करने के बाद में यहाँ पर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी यदि कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच जाती है तो ये सेपरेट रही है, जहां से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों को सेपरेट किया जाता है। यहां से अगेन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कलेक्टर में कलेक्ट कर लिया जाता है, और जो बची हुई सॉलिड लिक्विड सॉरी गैसियस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको अगेन सर्कुलर सिस्टम के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। यहां से देखिए जब आपने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिड में कन्वर्ट किए हैं तो अपने पास इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आप सप्लाई कर रहे हैं गैस सप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम हो गई, इसका मतलब इसकी चार्जिंग कम हो गई। तो चार्जिंग कम होने के लिए आपके पास में रेगुलर आपके पास में यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेने के लिए अगेन आपको इस कम हुई क्वांटिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की क्वांटिटी कम हुई थी उसको मेकअप करना पड़ेगा। तो यहां से आपके पास में ये मेकअप सिस्टम लगा रहता है जो आपके पास में अगेन इस सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्बन डाइऑक्साइड गैस सप्लाई करता रहता है, ताकि आपके पास में ये जो उपलब्ध है यहां जो आपके पास में तैयार हो रही है और उसकी रेट आप लगातार आपके पास में बनी रहे। यहां से इसके दिखाए गए हैं कि कंडेंसर जो कूल करते हैं बिलो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करते हैं, हाई कैपेसिटी का कंडेंसर लेते हैं, कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए ताकि प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहे, अदरवाइज आपके पास में यहां से यदि कंटिन्यू कूलिंग नहीं होगी तो आपका प्रोसेस यहां से हाल्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कूल आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ड्राई आइस की वो बंद हो जाएगी। एक्सपेंशन वाल्व जनरली यूज करते हैं, वो कहां तक एक्सपेंशन वाल्व में आपका एक्सपेंशन होता है अप टू ए सब्लिमेशन पॉइंट तक, जो ट्रिपल पॉइंट से नीचे होता है। सेपरेटर यूज करते हैं, सेपरेटर की अपने मैंने बताई दिया सेपरेटर क्यों यूज करते हैं। उसके बाद मेन चीज आती है कि कलेक्टर, कलेक्टर में यूज करने के बाद में जहां भी आपको इसको सप्लाई करना होता है, यूज करना होता है, वहां पर इस
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सकते हैं। अब आता है मेन चीज, ये कहाँ काम में लेते हैं इसके लिए, तो देखिए सबसे मेन चीज जो है ये इंडस्ट्री है, चाहे इधर द मेडिकल इंडस्ट्रीज है, चाहे फूड इंडस्ट्रीज है, चाहे आपके पास में केमिकल इंडस्ट्रीज है, जहां भी आपको -7 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे या 60 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड से और 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक के जहां भी कहीं आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के लिए या आपको किसी चीज को कूल स्टोरेज करने के लिए आपके पास में, जहां आपके पास में फर्स्ट स्टेज और सेकंड और थर्ड स्टेज रेसिप्रोकेटिंग जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में है वो फेल हो जाते हैं, वहाँ ये सिस्टम काम में लिया जा सकता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इजी हैंडलिंग है इसकी, आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। दूसरा ये है नॉन कोरोजिव होता है। तीसरा ये है कि आपके पास में इजिली कट करके इसको यूज अपन कर सकते हैं। तीसरा है कि इसमें किसी भी तरह के ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल नहीं होते हैं जो किसी भी आपके पास में आपने जिसको कूल करना चाहते हैं उसके साथ मिक्स होकर उसमें उस एडवर्स इफेक्ट उस पर डालें। धन्यवाद।